गुड मॉर्निंग दोस्तों, हमारे नए व्लॉग में आप लोग का स्वागत है। आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, गाड़ी हम लेकर निकल चुके हैं। आगे दोस्तों टोल प्लाजा है, चालू है कि नहीं है, लग रहा है चालू है। टोल प्लाजा चालू हो गया है क्योंकि दोस्तों हम उत्तर प्रदेश आ रहे हैं गाड़ी लेके। दो तीन दिन गाड़ी तो खड़ा कर दिए थे दोस्तों, अभी लेकर निकले हैं। टोल प्लाजा पर पहुंचे हैं, आपको जाना है दोस्तों दिल्ली गोड़ी, और दिल्ली गोड़ी जाना है। अभी क्या नाम है, हम गोरखपुर में समझ लीजिए पहुंचे हैं भाई। देखिए टोल टैक्स पहुंच गए हैं। देखिए हाला सिग्नल आ रहा है, अभी देखिए खड़ा हो गया। आगे दोस्तों बॉर्डर है, बॉर्डर पे हो सकता है मैकेनिकल कटाना पड़ेगा, नहीं तो इसे पार हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो मैकेनिकल तो कटाना ही पड़ेगा, तब उसके बाद चलेंगे दिल्ली गोड़ी। दिल्ली गोड़ी तो आज पहुंच नहीं पाएंगे दोस्तों, कल ही पहुंच पाएंगे क्योंकि आज तो टाइम ही नहीं है उतना पहुंचने का, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर है। अभी यहाँ से 550 किलोमीटर है, आज दिन भर चलाएंगे तब भी तो नहीं पहुँच पाए, कल सुबह तक टच कर देंगे। चलिए अभी आगे बॉर्डर है, वहाँ पर आपको दिखाते हैं कैसे क्या होता है क्या नहीं होता है। देखिए दोस्तों कितना छोटा टंकी लोड किया है, देख सकते हैं। देखिए इसमें जहाज भी लोड कर लिया है, देख सकते हैं दोस्तों। तो हम कोई बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं, देखिए देख लीजिए, यहाँ पर गाड़ी उड़ी सब खड़ा है, देख लीजिए सब मुहूर्त बना है। देखिए दोस्तों आ चुके हैं हम लोग तम कोई बॉर्डर पर, यहाँ पर हो सकता है मैकेनिकल भी कटाना पड़ सकता है और हो सकता है नहीं भी कटाना पड़ सकता है। अब देखिए यहाँ से बाया लेके जाने को बोल रहे हैं, अंदर लेके चलना पड़ेगा लग रहा है। कितना पैसा लेंगे वो तो चलने के बाद ही पता चलेगा। देखिए यहाँ पर पुलिस लोग खड़े हैं। देखिए दोस्तों हम आ चुके हैं तो हमको ही बॉर्डर पर, अब देखते हैं यहाँ पर कितना खर्चा लगता है, कैसे क्या करना पड़ेगा, कुछ समझ नहीं आ रहा दोस्तों। आप लोग देख सकते हैं समझ नहीं आ रहा। गाड़ी तो खाली है, ग्रीक की गाड़ी मेरा साइड लगा दिए हैं, इधर देखिए सब गाड़ी लगा है, लेकिन यहाँ जबरदस्ती का सीन है और कोई नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बस यहाँ पर पैसा लेने के लिए लोग रोके हैं, ताला लगाएंगे, ताला वाला लगा दे, उसके बाद हमको जाना है तो सिल्लीगोड़ी। लेकिन बिहार आए आगे बोल रहे हैं नहीं, ताला जब तक नहीं लगेगा था तब तक गाड़ी नहीं जाएगा। मतलब ठीक है ताला लगाइए भाई, जब नियम लगाया सरकार तो भाई पालन करना ही पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। अभी आगे बैंक देना पड़ेगा 500 रुपया, और 500 रुपया मैकेनिकल का भी लगेगा, 1000 ऐसे लग जाएगा, 800 रुपये ताला का भी लगेगा। बड़ी झाम है भाई, इधर में देखिए ऑफिस बना है, उधर भी ताला ऑफिस बना है, सब ताला झंडा ये क्या बोले, उधर जाना पड़ेगा ये कराना पड़ेगा, बहुत झाम है यार, माथा नहीं काम कर रहा है। ये दोस्तों आज मेरे गाड़ी में ताला लगने जा रहा है, वो भी देखिए इलेक्ट्रॉनिक ताला है, डिजिटल लॉक, वो भी डिजिटल का बताइए, डिजिटल लॉक है, डिजिटल इंडिया था, अभी डिजिटल ताला भी आ गया है, देख सकते हैं। अभी देखिए इसमें इसे लगेगा, देखिए अब इसको कैसे ये लोग बंद करेंगे यही लोग जान सकते हैं, हम लोग का पता नहीं। ऐसे दबाने से बंद हो जाएगा, दबा के रखना पड़ेगा, ऑनलाइन बंद होता है, देख रहे हैं क्या जमाना है। अब वहाँ वो टीपी जाएगा तभी खुलेगा ताला, उसके पहले नहीं खुलेगा, अभी जान लीजिए। बंद हो गया, छोड़ दीजिए इसको, बंद हो गया, बंद हो गया, हाँ ये बंद हो गया, कहाँ सिस्टम बताओ। चलिए देखिए इसका प्राइस कितना है, इसके मतलब ये ताला का पैसा कितना लगेगा। ऐसे आपको रेंटल जो पड़ेगा ये आपको 790। अच्छा ठीक है, 790 वन ट्रिप का, 2400 चार्जिंग है। अच्छा ठीक है, और
अगर आप इसे खरीदते हैं गवर्नमेंट पे, जैसे कि 1 ईयर के लिए प्लानिंग इसका है, तो आपको जैसे रेंट पे लिया जाता है इसको 27,000 प्लस GST है। इसको रेंट पे लिया जाता है, इसको बोल रहा है ना सरकारी है, मतलब रेंट पे 27,000 प्लस GST अलग से, सोचा कितना दाम है। तो सर अगर जैसे खुद को खरीदना चाहेंगे खुद से नहीं मिलेगा, ऑथराइज नहीं है ना, ऑथराइज नहीं है ना, ऑथराइज रहेगा तो ऑथराइज। यहाँ पे तीन कंपनियाँ हैं, तीन कंपनियाँ हैं, टेक प्रो, ट्रांसक्योर, INTEL, गवर्नमेंट के द्वारा ही हम लोग। देखा भाई ताला लग चुका बा, एक प्राइस समझ लो कि ताला लगाने 790 रुपये है, मोटा मोटी 800 पकड़ना, फिर 800 रुपये में खोलाओ नहीं दिया, नहीं खोलना नहीं, खोलने नहीं लेगा, 1 रुपये 800 रुपये समझ लो तो तभी तो लग रहा है। बताइए क्या साला सिस्टम है, बताइए तब कोई में बारह हम लोग पहुँच चुके हैं। देखिए ताला के लिए ठीक है, लग गया, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए लेकर आके पैसा दीजिए, आपकी गाड़ियों का ट्रैकिंग होगी, पैसा लीजिए, अगर ताले के साथ छेड़छाड़ होता है तो ऑटो अलर्ट देगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर रुकता भटकता है तो भी, ताला तो लग गया है, अब 800 रुपये देना है। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।